नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना वेकिल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे अनियमित महावारियों के बारे में। हम अनियमित महावारी कब बोलते हैं? जब हमारी महावारी 24 दिन से कम या 40 दिन से ज़्यादा हो, अथवा हर महीने बिल्कुल ही अनपेक्षित दिनों पर आ जाए, तब हम उसे बोलेंगे कि ये अनियमित महावारी है। अनियमित होने के लिए कई वजह हो सकती हैं, कुछ कुदरती तौर पे और कुछ किसी बीमारी की वजह से। जो हमारी कुदरती तौर पे अनियमित महावारी होती है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, नॉर्मली हमारे होंगे जब बच्ची को मीनार्की होती है, यानी कि प्यूबर्टी, या जब उसको प्रथम बार महीना आए, उस वक्त कुछ वर्ष लग जाते हैं, 2 से 3 साल, जब महावारी एक नियमित पैटर्न पर आना शुरू होती है। तत्पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद भी हार्मोनल चेंजेस को वापस सेट होने में कुछ माह अवश्य लगते हैं, तब भी हमारी महावारी थोड़ी सी गड़बड़ होती है और इसे हम नॉर्मल ही समझते हैं, जिसके लिए किसी उपचार की ज़रूरत नहीं। तीसरी बार होती है जब बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाए। उस स्थिति में या तो महीने बहुत देर में आते हैं या बिल्कुल ही आना रुक जाते हैं, जिसमें दोनों ही स्थितियों में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। और तीसरी बार होता है जब महीने समाप्त होने जा रहे हों, यानी कि मेनोपॉज हो रहा हो। तो मेनोपॉज होने से कुछ साल पहले हमारे महीने फिर से देर देर में आना शुरू होते हैं, कम कम आना शुरू होते हैं, और ये सारी ही चीज़ें हमारी कुदरती उसमें आती हैं, जिनमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं अनियमित महावारी के, जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो थोड़ी सी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस उसमें हो, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल चेंज जो देखने में आ रहा है। इसमें हमारी ओवरीज में छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण अंडा पूर्ण रूप से नहीं बनता, और जिसके कारण जो हमारे शरीर में नॉर्मल ईस्ट्रोजन हार्मोन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमारी महावारी अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। पीसीओएस के अन्य सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे एक्ने हुआ, वेट चेंजेस हुए, एक्सेसिव वेट गेन हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये तमाम चीज़ें पीसीओडी के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी वजह होती है ईटिंग डिसऑर्डर्स। या तो हम बहुत कम खाते हैं या अत्यधिक बिंज ईट करते हैं। दोनों ही स्थिति में या तो वेट लॉस हो जाता है एक्सेसिव, या वेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और दोनों स्थिति में पीरियड्स खराब हो जाते हैं। तीसरा रीज़न होगा थायराइड डिसऑर्डर्स। या तो थायराइड हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए, यानी कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज के बाहर होने पर थायराइड के आपके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको अनियमित महावारी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इनका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, हम बिंज ईटिंग बंद करते हैं, हम मैदा, आलू, चावल, इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। सब कुछ खाते हैं लेकिन मॉडरेशन में। हमारा वज़न एक निर्धारित लिमिट के अंदर हो, ना तो अत्यधिक कम हो ना अत्यधिक ज़्यादा। इसलिए आपका मॉडरेट वेट हो, ये आपके वेट पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हमें स्ट्रेस एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस रादर हमें करनी चाहिए। अत्यधिक एक्सरसाइज करने से भी हमारे पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं, इतना ना करें कि आपका वेट आपके निर्धारित वज़न से कम हो जाए, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर कुछ उपाय हैं जो मेडिकली आपके लिए दिए जाते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज दूर की जाती हैं, हार्मोनल बैलेंस में लाने के लिए डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट आप स्वयं अपने घर पर ना करें। घर में करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखें और निर्धारित एक्सरसाइज ज़रूर करें, स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। अनियमित महावारी कॉमन चीज़ है लेकिन ट्रीटेबल है, इसे परेशान ना हो, अपने निकट के डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। थैंक यू।